ऊंचे हैं सीकर जिले के खंडेला के केरपरा गांव में, और जैसा कि 3-4 दिन से यहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है, संपूर्ण बातें जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या है मामला। जैसा कि आज पूरे गांव में एक रैली निकाली गई और काफ़ी संख्या में यहां पे प्रशासन भी पहुंचा हुआ है। नमस्कार जी, दादाजी क्या है मामला और कितने दिन से आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हो? ये हमारे ये पुरखों से ये समाधि है यहाँ पर। कितने साल से ये हमारे ये गांव बसा था ना, जब से ही गांव की बसावट हुई थी जब से ही यहाँ से ही समाधि चालू स्टार्टिंग हुई थी। पहाड़ है इसी पे समाधि दी जाती। हाँ, समाधि दी जाती है और एक नहीं है, इसके कम से कम 200 है 300 है समाधि दी हुई है अंदर। अच्छा, अभी क्या प्रॉब्लम हो गई इन समाधियों को? क्या है कि ये मिट्टी खोद खाद 5-4 समाधियों को खोद के फेंक दिया, खंडित कर दिया, खंडित कर दिया, मिट्टी को बेच दिया उन्होंने। कहाँ खुर्दबुर्द कर दिया इसे, खुर्दबुर्द कर दिया। क्या मामला चल रहा है? ये जो मोक्ष धाम की जगह है, कहते यहाँ पर समाधि नहीं देने देंगे हम। अच्छा, नहीं देने देंगे? हाँ, क्या वजह, क्या कारण बताया जा रहा है? ये तो हमारे पास में बुलाते हैं बस्ती के अंदर, इनको बुलाया तो आप पास में आते नहीं है, सामने गाँव वालों के सामने, गाँव वालों के सामने नहीं आया। अभी गाँव की मीटिंग, पूरा गाँव की मीटिंग भी की थी, उसमें नहीं आए ये लोग। बोला राजस्व का मामला है, राजस्व तक पहुंचे हो आप? राजस्व का मामला ये है कि जब से ये राज दरबार के में दी हुई है जमीन, अच्छा, अब इन्होंने धोखे से 5-4 साल में अपने नाम करवा ली। और कितने जमीन का ये मामला है? जमीन तो बहुत सारी है, ये जोड़ भी इन्होंने ना अपने कब्जे में ले रखा है। ये रामदास जी महाराज का जोड़ खोदा हुआ है, ये जोड़ भी इनका नहीं था, इस पे भी इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। गाँव के किसी भी आदमी को यहाँ घुसने नहीं देते। और ये हमारी समाधियाँ 400-500 साल पुरानी है, अब इनमें यहाँ से खोद के और इन लोगों ने बेच दी। अवशेष निकले हमारे पूर्वजों के, तो उस चीज का हम विरोध कर रहे हैं कि ये जमीन हमें, समाधि की जमीन हमें दी जाए और हमारे जो पूर्वजों के अवशेष हैं उनको सम्मान यहाँ पे स्थापित किया जाए। अभी ये जो मांग है आपकी, प्रशासन तक पहुंची, कहीं कोई आया आपके पास? हमारे पास कोई नहीं आता, आता है जो इनके घर ही जाता है, इनसे क्या बात होती है क्या नहीं होती है वो हमें कोई मालूम नहीं चलता। कितने दिन से विरोध प्रदर्शन? विरोध प्रदर्शन 5-6 दिन से हम कर रहे हैं, और 6-7 महीने पहले हमारे एक बुढ़िया एक्सपायर हो गई थी, तो उनका जब दाह संस्कार करने के लिए आए तो यहाँ पे इन लोगों ने गेट के ताला लगा के और बग गए कि यहाँ नहीं करने देंगे आप। उस मामले में भी हमने उसको खोल खाल के उसका उस दिन तो प्रशासन आके और हमें आश्वासन देके कि हम आपकी समस्या को हल करवाएंगे, आपको शमशान भूमि की जगह दिलाएंगे, उसके बाद से हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी कहाँ कहाँ से आपके समाज के लोग पहुँचे या सर्व समाज के लोग? सीकर जिले के, सीकर जिले के, सीकर जिले के। अभी आगे की क्या रणनीति है, क्या प्लानिंग की जा रही है आज? आगे की रणनीति यही है कि जब तक ये जोड़ा और शमशान भूमि, इनके नाम भी नहीं है ये, लेकिन ये इनको छुड़ा दिया जाएगा। जोड़ा और शमशान भूमि हमको छोड़ के दो ना, जब तक गांव भी नहीं हटेगा हम नहीं हटेंगे। इन लोगों का कब्जा जब तक ये नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक हम यहाँ से हटेंगे ही नहीं, यहीं रहेंगे। लगा दिया है, अब यहीं पे रहने का, यहीं पे रहने का विचार, यहीं पे रहेंगे। अब देखेंगे, काफी संख्या में सैकड़ों से ज्यादा ग्रामीण यहाँ पे पहुंचे हैं, और जैसा कि इन्होंने बताया कि कई सालों से इस जो जोड़ की ये पहाड़ है इस पे इनके जो पूर्वज हैं उनकी समाधि यहाँ पे थी और उसे खंडित करने का मामला है, आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। दूसरा पक्ष क्या कहता है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। और इस तो हमीरनाथ राजा है ना, हमीरनाथ जी छोटा पाना के राजा है खंडेला के, उन्होंने हमारे पूर्वजों को दी थी ये जमीन, उन्होंने हमारे पूर्वजों को गाँव में लाके बसाया था। जब से ये गांव बसा तब से ये जमीन हमारे कब्जे में है। ये कितना साल पुराना? ये तो बहुत पुराना है, गांव बसा था उसके पहले से है, उसके और साधु महात्माओं। नमस्कार जी, आप भी इसी गांव के हो, क्या है मामला? पूरे दो गांव का ही पूरा मामला है, दोनों पार्टियां, एक समाज गांव का है, एक परिवार गांव का ही है, एक्चुअली स्थिति क्या है? नाथ समाज का ये शमशान भूमि है, जब से हम इस गांव में जन्म लिए पैदा हुए तब से हम तो यही देख रहे हैं। मैं जाति से जाट हूँ और मैं तो जब तक जब समझदार हुआ तब से यहीं देख रहा हूं, और इनको पहले से दी हुई ज़मीन है। अब गांव कब बसा था, 500 साल पहले बसा था, कब बसा, जब से इनका शमशान यहीं है। दूसरा पक्ष है वो कहता है कि जमीन हमारे नाम है। दूसरा पक्ष बोलता है हम यहाँ, हमारी ज़मीन है, हमारे नाम है, हम नहीं दाह संस्कार नहीं करने देंगे। किसकी गलती है? शमशान इनका है तो गलती तो वो सामने वाले की है, ये अपने शमशान में दाह संस्कार करेंगे कि नहीं करेंगे। जमीन उनके नाम शमशानों की, जमीन बाद में करवा ली, पहले तो थी नहीं पुराने रिकॉर्ड। राजस्व विभाग से कोई गलती ऐसे? राजस्व विभाग से कोई गलती हुई होगी या इन्होंने करवा ली, कैसे भी करवाई, पैसा देके करवाई, कैसे करवाई। निष्पक्ष जांच हो और
कहीं ना कहीं जो भी दोषी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, आप भी इसी गांव के हो? हाँ सर, हम इसी गांव के हैं। उनके साथ आप भी यही चाहते हो कि निष्पक्ष? नहीं हाँ, निष्पक्ष हो इनकी है, हम जन्मे उनसे पहले के ये इधर ही करिए। दाग संस्कार जो भी होता है, कोई भी होता है, सामने वाले की गलती है सर। और मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आई एम साउथ एशियन चैंपियन, और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मतलब आप कुछ भी मानो, लेकिन आपने जैसे राम मंदिर हुआ, वहाँ पे बाबरी मस्जिद बननी थी, लेकिन वो सब हटा के फिर हमने राम मंदिर बनाया। हमने उनको ज़मीन दी इसलिए कि वो आस्था से जुड़ी हुई थी, तो ये भी हमारी आस्था ही है। यहाँ पे आप मतलब हमारे पूर्वज को अच्छे से निकाले जा रहे हो, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो यही कहना है कि आप कुछ भी करो, चाहे हर एक निष्पक्ष जांच करो, और बस हमारी जो ये ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारी आस्था जुड़ी हुई, इसको ना उखाड़ो, क्योंकि जब आप अपने बाल उखाड़ते हो ना, उतना दर्द होता है जितना कोई पूर्वज की आशीष निकाली जाती है। तो यही आज कैसे काफ़ी 3-4 दिन से आप धरने पर हो, क्या मामला है और अभी तक क्या कार्रवाई प्रशासन आप तक मिला है? देखो इसमें प्रशासन का कोई, इसमें वर्तमान में तो कोई दोष है नहीं, ने पहले प्रशासन का दोष था। जस्व विभाग में हमने दावा कर रखा है सिविल में, और पहले इन्होंने आज से 1 साल के लगभग इन्होंने ऐसी घटना घटाई थी, तो राजस्व विभाग के जैसे गिरदावर होते हैं, पटवारी होते हैं, वो आकर के ताला तोड़ा करके समाधि का, यहाँ खनि का मतलब प्रोग्राम था तो समाधि दिला करके फिर बाद में गए थे, और कोई भी हमने ऐसी अन्याय और अत्याचार नहीं की। उसके बावजूद बार बार इन्होंने, यानी बार बार इन्होंने कानून का उल्लंघन करते हैं, हमारी समाधियों को खुर्द ब खुर्द कर दे, हमारे पुरुषों के जो अस्थि होती हैं उनको न जाने ये कहाँ कहाँ बखेर दी। तो मेरा एक ही जो प्रशासन से एक ही अपील है कि उन्होंने जो भी कुकृत्य किया है ये, इसकी इसको सजा मिलनी चाहिए, और हमारी जो समाधि लगी हुई है पुरुषों की वो सुरक्षित रहनी चाहिए, और आने वाले समय के लिए जो जमीन का जो निस्तारण है वो जाना चाहिए। यही हमारी आपसे, मीडिया से, और इस प्रशासन से, और समाज से यही हमारी मांग है, और कोई मांग नहीं है। आज रैली भी निकाली गई थी और एक सभा का भी यहाँ आयोजन होने वाला है। हाँ, आगे की क्या रणनीति है अगर कहीं कोई सुनाई नहीं होती है? प्रशासन अगर हमारी आज सुनाई कर लेगा, हमें आश्वस्त हो जाएंगे, प्रशासन से हम संतुष्ट हो जाएंगे, तो हम आज यहाँ से समाज के सामने जो कोई समाज के हमारा जो मुखिया जो कहेगा उसके अनुसार हम आज यहाँ विसर्जन कर देंगे अपने जो हमारी जंग की लड़ाई है। वरना आंदोलन किस रूप में कहाँ करना है, कैसे करना है भाई, किस रूप में करना है, वो बाद में जो ये समाज बैठा ये तय करेगा।